वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस, वेयर एग्जाम फोबिया एंड्स। कल हमने संडे को एक सुपर स्पेशल क्लास करी थी रीजनिंग की, जहां हमने एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2020 का एक मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व किया था, जिसका पार्ट वन हमने कल सॉल्व किया था और नेक्स्ट सेशन में हम उसका पार्ट टू करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट संडे और स्पेशल बनेगा। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो भैया देखो आई बटन है ना, वहां पे दिखा रहा होगा, वहां जाके देख लेना, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां जाके देख लेना, ठीक है। चलो आज हम शुरुआत करेंगे अपने, अच्छा पहले शुरुआत करने से पहले सबसे पहले देख लो स्केड्यूल क्या है हमारा। स्केड्यूल है कि रीजनिंग की जो क्लास होती है मॉर्निंग की, वो 12:30 बजे होती है, जो अभी हो रही है, और 6 बजे एक पजल का सेशन हमारा चल रहा है। GNGS की जो क्लास होती है वो 10:15 बजे होती है, जिसमें अभी हम हिस्ट्री का एक एरा पूरा पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का एरा, तो वो जरूर देखना। बात क्लियर हो गई। अब हम शुरुआत करेंगे किसकी, अपने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की शुरुआत करेंगे। हमने इसके 5 सेशंस पहले कर लिए हैं, जिसमें हमने हर एक लेवल को डिस्कस किया है। आज दोस्त बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लाया हूं, आपने ऐसे क्वेश्चन शायद ही देखे होंगे। फिर से बोल रहा हूं, आपने ऐसे क्वेश्चन शायद ही देखे होंगे। वीडियो पे टिके रहना, बने रहना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। 5 क्वेश्चंस का एक सेट लाया हूं, बड़ा खतरनाक सेट है वो हो सकता है शुरुआत में मिल जाए, बीच में मिल जाए, एंड में मिल जाए, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। चल अगले हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया था, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे हमारे सिर्फ 2 स्टेप्स थे, यहां पे हमारे 3 स्टेप्स हैं, वहां सिर्फ हमारे 2 स्टेप्स थे, हमने 2 स्टेप में कंप्लीट कर लिया था। देखो दोस्त, क्वेश्चन सेम वैसा ही है। देखो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, अभी इसका टाइमर बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, आप बात समझो, ये है सीरीज, इस सीरीज में लगाना है सबसे पहले स्टेप 1, तब आपके पास कोई XYZ सीरीज आएगी, उस XYZ में स्टेप लगाना है 2, फिर ABC कोई सीरीज आएगी, उसमें एक स्टेप लगाना है स्टेप नंबर 3, तब फिर से आपके पास PQR एक सीरीज आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से 3 सीरीज आपकी बनेंगी। तो आपने स्टेप बाय स्टेप सारे काम करने हैं। आपके पास दिए हैं मैंने 45 सेकेंड, आपने सिर्फ क्या करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इनको लगाने के बाद अलग अलग कौन सी सीरीज बनेंगी वो अपनी कॉपी में फटाफट से लिख लेना, ठीक है ना। फटाफट से बस इतना काम करना है अभी कि सीरीज में स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और चेंजेस करेंगे तो हमारी क्या क्या सीरीज बनेंगी। टाइमर स्टार्ट कर दिया, फटाफट से बस सीरीज बना लो अपनी कॉपी में, क्योंकि आने वाले टाइम में सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, ये स्टेप्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज बना लो 3 स्टेप की। टाइमर स्टार्ट है, फटाफट जल्दी फास्ट, बहुत इजीली बताऊंगा अभी आप करो, बहुत इजीली बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम और दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कर लो आराम से। पैंतालीस सेकेंड और दे रहा हूं, कर लो आराम से, कर लो, क्योंकि ये अगर कर लिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। करो चलो, अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, बात समझना। अब बड़े ध्यान से देखना क्या करने जा रहा हूं।
आपने क्या करना है, सबसे पहले इस सीरीज को देखना है और स्टेप वन को लगाना है। स्टेप वन क्या कह रहा है, द लेटर्स विच आर फॉलोड बाय अ सिंबल, मतलब जो भी लेटर में मतलब जो लेटर है जिसके बाद में क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है, आर टू बी अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एट द राइट एंड ऑफ द सीरीज जस्ट आफ्टर ओ, मतलब ओ के बाद। अब यहां से मुझे उन सभी लेटर्स को पुट करना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कौन से लेटर्स को पुट करना है जिनके तुरंत बाद सिंबल है। ठीक है, देख लो भाई, ऐसा कोई लेटर है क्या जिसके तुरंत बाद सिंबल आ रहा हो? तो मैंने देखा कि भाई जे जो है, जे के जस्ट बाद क्या है, सिंबल है, तो ये मेरा एक काउंट हो जाएगा कि हाँ भाई इसके बाद ब्रैकेट में जे आएगा। ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, लेकिन मैं पहले लगा लेता हूं कौन कौन से लेटर्स मुझे चाहिए। फिर हमने देखा तो वाई के तुरंत बाद एट द रेट आ रहा है, मतलब वाई भी इसमें काउंट होगा। फिर हमने देखा कि जी के बाद तुरंत एंड आ रहा है, मतलब कि जी भी इसमें काउंट हो जाएगा। और इसके बाद कोई और है, हाँ वी, वी के बाद है हमारा ग्रेटर देन का साइन, मतलब वी भी इसमें काउंट हो जाएगा। इसमें हमारे पास चार ऐसे लेटर आए जिनके तुरंत बाद क्या था, सिंबल था, तो हम उसको राइट एंड पे लगा लेंगे, लेकिन अल्फाबेटिकल टर्म्स में लगाएंगे। तो अल्फाबेटिकल टर्म्स में जब हम लगाएंगे तो वो कैसे लगेगा, वो कुछ इस तरीके से लगेगा। बात क्लियर हुई कि आपने गिवन सीक्वेंस था ये, और स्टेप वन के बाद जो सीक्वेंस बना वो ये बन गया, बीच में से सारे वो लेटर्स हट गए और ओ के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे लेटर्स लगा दिए गए। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमारे पास स्टेप वन आ गया, अब स्टेप वन वाली सीरीज में क्या लगाना है, स्टेप टू लगाना है। कैसे, द नंबर विच आर प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब जो भी नंबर के पहले कॉन्सोनेंट है, विल बी अरेंज्ड बिटवीन एंड एंड परसेंटेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो नंबर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई नंबर्स विच आर प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, तो इसमें देख लेते, नंबर्स विच आर प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, तो नंबर्स विच आर प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट मतलब कि 8 आ गया मेरे पास अभी, नंबर्स विच आर प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट ये तो नहीं होगा, ठीक है। नंबर्स विच आर प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट मतलब कि 4 आ गया, नंबर्स विच आर प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट मतलब 5 आ गया, एंड नंबर्स विच आर प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट 1 आ गया। तो ये आपके पास चार नंबर, और कोई है क्या अभी, और कोई नहीं है, मतलब ये चार नंबर आ गए जिनको आपको कहां लगा देना है, आपने लगाना है किसके बीच में, एंड एंड परसेंटेज के बीच में, मतलब यहां लगा देना है, ठीक है। चलो तो लगा लेते हैं फटाफट से, ठीक। ये आपके पास आ गए स्टेप टू, जहां पे आपने सारे नंबर्स को उठा के कहां लगा दिया, एंड और परसेंटेज के बीच में इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बात क्लियर हो गई, 8541 ये हमारे पास चार नंबर आए थे, हमने इनको लगा लिया। अब इस स्टेप टू में क्या करना, सॉरी इस स्टेप टू के बाद जो हमारे पास सीक्वेंस आया इसमें क्या करना है, स्टेप थ्री लगाना है। कैसे, द सिंबल्स विच आर प्रीसीडेड बाय लेटर्स, मतलब सिंबल्स के पहले लेटर आ जाए, विल बी अरेंज्ड सच दैट, इन सिंबल्स को क्या करना है, अरेंज करना है, किस तरह से करना है, फर्स्ट सिंबल विल बी अरेंज्ड एट द लेफ्ट एंड, मतलब कि पहला सिंबल यहां आ जाएगा, एंड द सेकेंड सिंबल विल बी अरेंज्ड एट द राइट एंड, मतलब कि दूसरा सिंबल यहां आ जाएगा, फिर थर्ड सिंबल विल बी अगेन अरेंज्ड एट लेफ्ट एंड, मतलब कि यहां पे थर्ड सिंबल आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, फिर यहां 5 आ जाएगा, इस तरीके से हमें करना था। बात क्लियर हो गई दोस्त, ठीक है। तो अब देख लो भैया, लेटर के बाद जस्ट सिंबल कौन कौन से हैं, तो लेटर के बाद जस्ट सिंबल है, हाँ है एच, सॉरी हमें तो सिंबल लेना है ना, तो प्लस का साइन, फिर लेटर के बाद सिंबल कहाँ है, ये है, तो एट द रेट का साइन, फिर लेटर के बाद सिंबल मतलब कि डॉलर का साइन, फिर लेटर के बाद सिंबल मतलब एंड का साइन, और फिर लेटर के बाद सिंबल मतलब कि डिवाइड का साइन, और फिर लेटर के बाद सिंबल, नहीं, हमारे पास 5 सिंबल ऐसे आ गए जो लेटर के तुरंत बाद थे, प्लस एट द रेट डॉलर एंड डिवाइड, ये लाइन से लिखे हैं, मतलब फर्स्ट लेटर को कहां, सॉरी फर्स्ट सिंबल को कहां लगाना है आपने, आपने लगाना है लेफ्ट एंड को, फिर एट द रेट को कहां लगाना है, राइट एंड पे, फिर डॉलर को लेफ्ट एंड पे, फिर एंड को राइट एंड पे, फिर डिवाइड को लेफ्ट एंड,
तो कुछ इस तरीके से आपका ये सीरीज बन जाएगा, जहां पे हमने सबसे पहले प्लस लिया, फिर एट द रेट लिया, फिर डॉलर लिया, और फिर एंड लिया, और फिर प्लस डिवाइड का साइन लिया। तो ये आपके पास पूरी सीरीज तैयार हो गई है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। बात समझ में आ गई? इतना अगर कर लोगे फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ बचा नहीं है। आपके पास ये क्वेश्चन आया, देखो दोस्त स्पेस का थोड़ा सा हमारे पास अभाव था, इसीलिए हमने क्या किया, हमने इस पूरे चीज को सॉल्व कर लिया सबसे पहले अपने पास, ठीक है। ये सबसे पहले अपने सॉल्व कर लिया। अब ये जो स्टेप्स थे ना, ये मैं अगले क्वेश्चन में नहीं रखूंगा, मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊंगा और आपको सामने दे दूंगा स्टेप्स, ठीक है। आपके सामने स्टेप्स हैं और क्वेश्चन है, आपने फटाफट क्या कर लेना है, अब क्वेश्चन का जवाब देना है और 20 सेकंड का टाइमर चालू कर दिया, फटाफट से जवाब दे दो जल्दी से। देखो भाई टाइमर हो गया है खत्म, हमारे पास है सीक्वेंस, अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द सीक्वेंस, हमें ढूंढने हैं सिंबल्स आफ्टर स्टेप थ्री, मतलब कि इस वाले स्टेप में सिंबल ढूंढना है। कैसे सिंबल ढूंढने, विच आर फॉलोड बाय लेटर, मतलब कि बाद में लेटर हो, एंड प्रिसीडेड बाय नंबर, मतलब कि पहले नंबर हो। बात क्लियर है? मतलब नंबर, सिंबल, लेटर, ये हमें सीक्वेंस ढूंढना है। तो भाई देखो, नंबर, सिंबल, लेटर, ये एक मिला, ठीक है, एक मिल गया। फिर देखो नंबर, सिंबल नहीं है, नंबर, सिंबल, लेटर, दो मिल गए। फिर नंबर, सिंबल, लेटर, मतलब तीन मिल गए। हमारे पास तीन ऐसे सिंबल्स आ गए जो जिनके पहले नंबर था और बाद में लेटर था। आंसर इसका ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा, मतलब तीन ऐसे सिंबल मिल गए। बात क्लियर हो रही है? अगला क्वेश्चन है, फटाफट से करो, 20 सेकंड का टाइमर चालू हो गया, जल्दी से। ठीक, सवाल क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर अकरिंग बिटवीन एंड एंड परसेंटेज इन द सीक्वेंस स्टेप टू। स्टेप टू में एंड एंड कहाँ है, ये है, एंड परसेंटेज कहाँ है, ये, इनके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सब का सम कर देना है। तो सम क्या हो जाएगा, टू। अच्छा सिर्फ टू ही है, तो मतलब टू जब है तो सम तो टू ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर टू, आंसर इज टू। बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, टाइमर स्टार्ट कर दिया, फटाफट से करके दिखा दो, फटाफट से। देखो सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6 टू द राइट ऑफ 18 फ्रॉम द राइट एंड, मतलब कि देखो ये बताया भी था मैंने कि राइट और राइट होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है दोस्त। अब क्या करना है, 18 माइनस 6 मतलब कि 12, और कहां से 12 काउंट करना है, फ्रॉम के बाद से। तो फ्रॉम के बाद क्या है, राइट लिखा है, मतलब राइट एंड से 12 काउंट कर लेना है। 12 को कैसे काउंट करना है, चार चार के तीन पेयर बना लो, एक दो तीन, ये आपका आंसर हो जाएगा परसेंटेज, मतलब ऑप्शन नंबर फाइव। फटाफट से आपने आंसर निकाल लिया। बात क्लियर हो गई? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। देखो भाई टाइमर स्टार्ट हो गया है, जल्दी से देखो, दिक्कत का सामना शायद हो सकता है, तो एक बार करके देखो, मजेदार क्वेश्चन है, दिक्कत का सामना हो सकता है, फिर बता रहा हूं। इंग्लिश पे ध्यान देना इस क्वेश्चन में, अगर इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया तो आंसर कुछ और मार्क करके आओगे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज देयर विच इज फॉलोड, मतलब नंबर पता करना है, कौन सा नंबर, जो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज देयर विच इज फॉलोड बाय
एंड प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब सबसे पहले भी, मतलब उसके पहले भी कॉन्सोनेंट हो बाद में भी कॉन्सोनेंट हो, मुझे ये नंबर ढूंढना है। दोस्त अगर आप ऑप्शन नंबर वन टिक कर रहे हो तो आंसर गलत है, मैं पहले ही बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने हाउ मैनी नंबर्स का आंसर दिया है, ना कि विच नंबर का आंसर दिया। विच मतलब क्या होता है? कौन सा। हाउ क्या होता है? कितने। नंबर तो एक ही आएगा, लेकिन कौन सा आएगा वो बताना है, ना कि कितने आंसर, कितने नंबर्स हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब इनमें से वो कौन सा नंबर है जिसके तुरंत पहले और तुरंत बाद कॉन्सोनेंट है। अगर झटका लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो भैया, नंबर के पहले कॉन्सोनेंट और बाद में कॉन्सोनेंट। देखो नंबर ये है, पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, बाद में भी नहीं है। नंबर ये है, पहले कॉन्सोनेंट बाद में भी कॉन्सोनेंट, मतलब आंसर क्या होगा दोस्त? आंसर होगा थ्री। ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर झटका लगा, तारे दिखे तो मजेदार क्वेश्चन हुआ, नहीं हुआ? अगर हुआ तो लाइक कर देना वीडियो। ठीक है, देखो भैया इंग्लिश धोखा देगा यहां पे आपको। हमें हिंदी में भी देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कितनी संख्या नहीं, कौन सी संख्या। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, टाइमर स्टार्ट है। चलिए, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एलिमेंट आर देयर एट द एंड ऑफ द सीरीज, मतलब एंड पे कौन कौन से हैं। एंड पे है, स्टेप थ्री में बताना है ना, तो डिवाइड है और यहां पे है एंड, तो ये आ जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर फाइव। इसका ऑप्शन नंबर फाइव सही जवाब था। अब ये आपके पास एक नई सीरीज आई है, दिखने में पुरानी जैसी लग रही है दोस्त, लेकिन क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपकी शायद रात की नींद उड़ा दें। बात माइंड करके रखना मेरी, क्वेश्चन ऐसे हैं कि रात की नींद उड़ा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। 30 सेकंड मेरे हिसाब से इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, इसके लिए 45 सेकंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको 30 सेकंड दिया है, आप करने की कोशिश करो। कर लिया, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज इवन, मतलब क्या कहना चाह रहा है? फॉर एन एग्जांपल ये नंबर देखो कि अगर पहली और आखिरी डिजिट का जो सम है वो इवन है, तब क्या करना है? जो मिडिल डिजिट है उसको चेंज कर देना है एट से। ठीक है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा नंबर? ये हो जाएगा 682। ठीक है ना, ये नंबर बदल जाएगा। And if the sum of first and last digit of the number is odd, then interchange the first and last digit. मतलब कि जैसे अगर ये नंबर देखें तो 9 और 7 का सम होता है 11, that is odd, तब क्या करना है? इंटरचेंज कर देना है 279, ये नंबर बन जाएगा। इस तरीके से हमें चेंजेस करने हैं। तो ये हो जाएगा 17, मतलब कि 839, ये हो जाएगा 13, मतलब कि 598, ये हो जाएगा 11, मतलब 6, 3, 6, 8, 6, 3, 5। आपने कुछ इस तरीके से चेंजेस कर लिए हैं कि पहली और आखिरी डिजिट का अगर सम करते हैं ऑड आ रहा है तो इंटरचेंज कर दो, इवन आ रहा है तो मिडिल डिजिट को 8 से रिप्लेस कर दो। अब क्या करना है दोस्त? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर थस फॉर्म्ड विल बी लोएस्ट, तो लोएस्ट कौन सा है ये? मतलब कि आंसर हो जाएगा 972, मतलब ऑप्शन नंबर वन इसका सही जवाब होगा। दोस्त अगला क्वेश्चन आ गया है, टाइमर स्टार्ट हो गया और टाइमर है इधर। टाइमर अगर नहीं दिख रहा हो ना तो इधर है टाइमर, फटाफट से चालू कर दो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से।
करें, क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑब्टेनिंग आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम एवरी ऑड डिजिट ऑफ द गिवन सीक्वेंस। मतलब कि 972 में से क्या करना है हमें और 1 ऐड करना है इवन डिजिट में, ठीक है। तो 9 में से क्या कर देना, 7 यहां पे, 5 और यहां 3, ऐसे चेंज करना है इस नंबर को कि जितने भी ऑड डिजिट्स हैं उनमें 2 माइनस कर देना और जितनी इवन डिजिट हैं उसमें 1 ऐड कर देना है। तो 938 का क्या हो जाएगा, 719। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 973। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 971, है ना, सही है। और फिर है 692, इसमें क्या हो जाएगा, 8 नहीं, इसमें हो जाएगा आपका 7 और 1 ऐड करना इवन में 3, तो 536, इसमें क्या हो जाएगा, 3 1 और इसमें हो जाएगा 7। ये आपने कुछ चेंजेस कर लिए हैं। देखो इन क्वेश्चंस में समय लगता है, ये इसमें कुछ ट्रिक्स नहीं होती हैं, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसमें कोई स्मार्ट अप्रोच नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको। अब आपको बताना है, देन इंटरचेंज द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट। अब इंटरचेंज भी करना है, इतना सब रायता फैलाने के बाद और रायता फैलाना है, तो भैया आप रायता फैला लो, 357 और थर्ड हाइएस्ट बताना है, ठीक है, 7 सॉरी ये हो जाएगा 917, ये हो जाएगा 379 या 179 और यहाँ पे 377 और यहाँ हो जाएगा 713। दिखाई दे रहा है ना दोस्त, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर दूँ, ठीक है। अभी ये आपका एक फाइनल है, आपके पास आंसर भी आ गया है, आपने बताना है थर्ड हाइएस्ट। थर्ड हाइएस्ट कौन सा है, ये है हाइएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट और इसके बाद ये है थर्ड हाईएस्ट, मतलब कि ये आपका आंसर 895 सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, क्लियर है ना। देखो थोड़े से लेंदी होते हैं क्वेश्चंस, आसान आसान करा चुका हूं, अब क्लाइमेक्स चल रहा है ना, एंड चल रहा है, अभी तो खतरनाक क्वेश्चन आना बाकी है, और अगर वो मजेदार लगे तो शेयर कर देना वीडियो को, अभी ये सीरीज खत्म होने के बाद आएगा वो क्वेश्चन, देखा कभी नहीं होगा वैसा, जल्दी से शुरू हो जाए इस वाले क्वेश्चन में, 30 सेकंड का टाइमर चालू है। दोस्त देखो मैंने पहले भी बताया था, 972 को क्या बोलते हैं, एक नंबर बोलते हैं, और 972 में जो 9 और 7 और 2 है ना, इनको हम इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। ये बात याद रखोगे तभी मजेदार बनेगा, वरना कुछ काम आ नहीं पाएगा आपका, ठीक है ना। अब क्या बोला है, इफ ऑल द डिजिट्स, मतलब 972 इंडिविजुअली अलग अलग बोल रहा है, अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कि लेफ्ट टू राइट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। 972 तो ऑलरेडी लगा है, 983 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 985, फिर हो जाएगा 863, 962, 653, ये आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट लगा लिया। एंड देन नंबर थस फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब ये जो नंबर बने हैं ना दोस्त, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, राइट टू लेफ्ट, मतलब लेफ्ट टू राइट फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो लगाना है। देखो राइट टू लेफ्ट अगर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही गया ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो फटाफट से भाई। देखो क्या है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 985, फिर 983, फिर 972, फिर 962, फिर 863 और फिर 653। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात तो क्लियर हो गई ना, ये 653 है, ठीक। अब क्या बोला है, लेफ्ट एंड से बताना है सेकंड, तो लेफ्ट एंड से सेकंड है 983 मतलब कि 938, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, अगला क्वेश्चन कर लो, 74th क्वेश्चन है, 30 सेकंड का टाइमर है, मजेदार क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लग सकता है, कोशिश करना अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की।
देखो बोला है इफ द सम ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस। हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट है नहीं ये, हाँ यही है हाईएस्ट 972 एंड लोएस्ट, लोएस्ट क्या है 536। ये आपने ऐड करना है तो ऐड कर लो 8015, ठीक है ना, 1508 इसका आंसर आ गया। इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ थर्ड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट क्या है, थर्ड हाईएस्ट है ये एंड द थर्ड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट है ये, तो 895 और 863 इनका डिफरेंस 2 और 3, 32 इसका डिफरेंस आ गया। इस नंबर को इससे डिवाइड करना है, मतलब कि 1508 को डिवाइड करना है 32 से, और जो रिजल्टेंट आएगा देन मल्टीप्लाइड बाई 8, मतलब कि इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल फाइनली गेट। अब दोस्त देखो 32 से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, अगर आपने 32 से पहले डिवाइड किया फिर 8 से मल्टीप्लाई किया आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। मैं क्या करूंगा, पहले 8 को इससे काटूंगा 4 और इसको अब फाइनल काटूंगा, तो 3 और 7 फिर 7, तो 377 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर हो गई ना, हुई क्लियर? अगर हुई है तो लाइक कर देना वीडियो, मजेदार क्वेश्चन लगा, अप्रोच सही लगी तो फिर भैया शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो मुफ्त में करके जाना यार। हाँ भैया क्वेश्चन नंबर आ गया 75, ऑप्शन आपके सामने है और भैया क्या है, टाइमर चालू हो गया है, जल्दी करो। आपसे क्या बोला है, इफ ऑल द डिजिट्स विद इन द नंबर आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, मतलब कि 972 इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, देन हाउ मेनी नंबर्स थस फॉर्म्ड विल बी लेस देन 200, मतलब 200 से कम कितने नंबर्स होंगे, तो कर लो भैया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लीकेशन में ना पूरा मल्टीप्लाई मत करना, एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये 200 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, देख करके देखते, मैं बताता हूँ क्या, 7 × 2 = 14, ठीक है, एंड 14 जो आएगा उसका मल्टीप्लाई करना है मुझे 9 से, तो क्या ये छोटा आएगा बड़ा आएगा 200 से? भैया अगर मैं 14 का 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 140 ना, तो ये तो 200 से कम ही होगा, हालांकि 14 9 से आपको पता होगा 126 होता है, लेकिन फिर भी मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं, क्यों इतना दिमाग लगाऊं, मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है 200 से कम है, ठीक है। चलो 8 × 3 = 24 और 24 × 9 ये ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे रहा है 200 से बड़ा आएगा, आएगा नहीं आएगा, 216 आंसर आएगा, 240 × 9 ऑलरेडी 200 से बड़ा ही हो जाएगा। फिर देख लो भैया 8 × 9 = 72 एंड 72 × 5 करेंगे तो 360 आएगा, तो ये भी गया काम से, ठीक है। अब क्या करें, 6 × 8 = 48 एंड 48 × 3 कितना होता है 144 होता है, तो ये सही है, आपने सारे नंबर लिख लिए ना, ठीक है, ये नंबर लिख रहे हैं 126 भी है यहाँ पे, ठीक है। फिर चलो अब 6 × 9 = 54 × 2 = 108, फिर क्या आ जाएगा 6 × 3 = 18 × 5 = 90, तो ये एक नंबर है, ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये चार नंबर ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 200 से कम था, आपने आंसर मार्क कर दिया। दोस्त देखो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने बोला था कि मैं आपको कराऊंगा 75+ क्वेश्चन कराऊंगा, बोला था ना, और अभी कितने क्वेश्चन आपको हो गए दिखाई दे रहे होंगे, कितने क्वेश्चन हुए हैं दोस्त, कितने हुए जल्दी बताओ, 75 हो गए हैं। रुकने वाला नहीं हूं, आने वाला है आपके सामने आज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपने शायद ही देखा होगा, हालांकि करना सब वही है लेकिन जो प्रेजेंटेशन है, जो सामने दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, 76th क्वेश्चन है ये, अभी कारवां बाकी है, खतरनाक क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, नए पैटर्न का क्वेश्चन है। आपके सामने एक वर्ड है, इस वर्ड में ये सारे चेंजेस करने हैं और आंसर बताना है, ठीक है। चालू हो जाओ, 30 सेकंड का टाइमर है, पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो।
कर लिया। बोल रहा है इफ द गिवन वर्ड इफ इन द अबव वर्ड ऑल द लेटर्स विच आर अपियरिंग एग्जैक्टली ट्वाइस, अगर तीन बार है या चार बार रिपीट हो रहा है ना तो नहीं, सिर्फ दो बार अगर वो आ रहे हैं तो ड्रॉप कर देना है उनको। कैसे कितने ऐसे लेटर हैं जो एग्जैक्टली दो बार आ रहे हैं? तो देखो जी हमारा दो बार आ रहा है, आई एक दो तीन, नहीं आई तीन बार आ रहा है इसको नहीं लेंगे, टी को ले लेंगे, टी हमारा दो बार आ रहा है तो इनको ड्रॉप कर देना है। तो ड्रॉप करने के बाद डब्ल्यू ई आई एच एल आई एफ आई एन ये आपने करना है। अब क्या आप करना है फिर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस, वो फिर से वही बताना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कि इतने ऐसे कितने पेयर्स हैं लेटर्स के जिनके बीच में उतने ही लेटर्स आते हैं जितने अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ राइट टू लेफ्ट लेना है। राइट टू लेफ्ट लेना है, नंबरिंग कर ली हमने फटाफट से और फिर हमने पता लगा लेना है ये हो जाएगा कितना, आठ फिर नाइन फिर 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं है, 9 के बाद 10, 11, 12 ये एक पेयर मिला हमें, ठीक है, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है, 12 के बाद 13, 14, 15, 16 नहीं है, 8 के बाद 9 मिला और 9 के बाद नहीं थी। हमारे पास दो पेयर ऐसे मिल गए जिसमें उतने ही लेटर्स हैं जितने की किस में होते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले करे हैं लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, बात क्लियर है ना, क्वेश्चन वैसे ही लेंदी था इसको और लेंदी बना दिया, बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, सेम वर्ड है लेकिन क्वेश्चन अलग है, ले वो आंसर भी आ गया। अब हम देख लेते हैं इसको करना कैसे। इफ फॉर द अबव सॉरी इफ फ्रॉम द अबव वर्ड ऑल द वोवल्स आर टू बी ड्रॉप्ड, मतलब वोवल्स को ड्रॉप करना है, वोवल्स को ड्रॉप कर लो, ई हटा लो, आई हटा लो, यहां से भी आई, यहां से भी आई, ठीक है ना, वोवल्स को, एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर टू बी रिवर्स। रिवर्स क्या होते हैं भैया, देखो रिवर्स का इस्तेमाल आ गया है अभी तो, रिवर्स का इस्तेमाल अगला असली वाला इस्तेमाल आएगा है ना, अगला इस्तेमाल तो अभी बहुत तगड़ा आने वाला है कोडिंग डिकोडिंग में। चलो रिवर्स क्या होता है, जैसे कि टी का रिवर्स क्या होता है, जी होता है, तो हमने रिवर्स सबके लिख लेने, डब्ल्यू का रिवर्स डी लिख लेते हैं यहाँ पे, जी का होता है टी, एच का होता है एस, फिर जी सॉरी टी का होता है, हाँ सही तो है जी, एल का ओ, एफ का यू, टी का जी, एन का एम और जी का टी, आपने सारे रिवर्स लिख लिए। फिर क्या बोला है, then the letter is newly formed or arranged in alphabetical order from left to right। अब सबको left to right arrange कर दो, left to right arrange करना है, सबसे पहले क्या आएगा, D आएगा, फिर क्या आएगा सबसे पहले, फिर G आएगा, फिर G आ जाएगा, फिर क्या आएगा, M आएगा, फिर O, S, T, T, U, ऐसे आपने arrange कर लिया। फिर बताना है how many such letters are there in the newly formed word which will not appear बिटवीन वोवल्स, मतलब वोवल्स के बीच में वो लेटर्स ना हो, ऐसे कितने लेटर्स हैं। तो दोस्त देखो हमारे पास ये एक वोवल है और ये एक वोवल है, इन दोनों वोवल्स के बीच में ये लेटर्स आ रहे हैं जो हमें काउंट नहीं करने हैं, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा डी जी जी और एम, इसका आंसर फोर इस तरीके से था, बात समझ आई। हमें सिर्फ वो लेटर्स ढूंढने थे जो वॉवल्स के बीच में ना हो, बात क्लियर है। थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन था, मजा आया, फंसे कहीं ना कहीं, अगर फंसे तो लाइक करके जाना। अगला क्वेश्चन आ गया है, वर्ड है चेंज और टाइमर स्टार्ट।
चलो अब इसका कर लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्व. इफ ऑल द वॉवल्स आर रिप्लेस्ड विद देयर इमीडिएट नेक्स्ट लेटर्स, तो नेक्स्ट लेटर से वॉवल को रिप्लेस करना है, मतलब कि एम बी फिर जी फिर एन, आई के बाद जे, एफ आई के बाद जे, सी एफ एन टी, ये आपने कर लिया है. देन हाउ मेनी पेयर आर देयर इन द न्यूली फॉर्मड वर्ड ईदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड विच हैज एज मेनी लेटर्स एज दे हैव इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, तो ये कर लेना है भैया. देखो फटाफट से कर लो, 13, 2, 7, 14, 10, 6, 10, 3, 6, 14, 20, पेयर्स काउंटिंग कर लो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, नहीं है कोई, 3, 4, 5, 6, ये एक पेयर मिला, 7, 8, 9, 10 नहीं है कोई, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये एक मिला, ठीक है. फिर 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये भी कोई नहीं है. फिर 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये भी कोई नहीं है. 6 के बाद 7, 8, 9, 10 नहीं है, 10 के बाद नहीं. इसका जो आंसर हो जाएगा वो कहीं ना कहीं दो आ जाएगा, क्यों करके देखना, फॉरवर्ड तो दो आएंगे, बैकवर्ड में एक भी नहीं आने वाला, ठीक है ना. समझ में आ गई बात, करना कैसे था, सारे वॉवल्स को हटाओ, फिर उनके जो नंबर सॉरी जो लेटर बचे हैं उसमें बता देना है कि पेयर कितने हैं. अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, खतरनाक क्वेश्चन साबित हो सकता है. ये लो हमारे पास तो आंसर आ गया, फटाफट से चालू हो जाओ, ठीक है. आपके सामने मैंने टाइमर चालू कर दिया है, चालू हो जाओ फटाफट से, बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है. मुझे जल्दी से बताओ कौन सा वो वर्ड बन रहा है, मुझे वर्ड जानना है, ठीक है. आंसर तो आपने देख लिया है लेकिन मुझे वर्ड जानना है, वो वर्ड कौन सा है, फटाफट से. देखो भाई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है यूजिंग थर्ड फर्स्ट फोर्थ एंड एट्थ लेटर ऑफ द गिवन वर्ड. यहां तक इंसान पढ़ता है फिर क्या करता है, काम शुरू कर देता है. लेकिन कभी कभी ये सारी चीजें दिक्कतें कर देती हैं, तो हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है. यहां पे लिखा है आफ्टर रीअरेंजिंग ऑल द लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है फिर लेटर्स को पिक करना है दोस्त. तो सबसे पहले क्या आएगा, ए फिर सी फिर ई फिर क्या आ जाएगा, फिर आएगा जी फिर नहीं सॉरी एफ आएगा पहले, फिर एफ फिर जी और फिर आएगा दो बार आई, फिर आई के बाद क्या है एम, एन दो बार, फिर एन के बाद टी. कितने लेटर्स होगा, 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 सही है. अब पहला लेटर मतलब ए, थर्ड लेटर मतलब ई, फोर्थ लेटर मतलब एफ और एट्थ लेटर मतलब कि 3, 3, 6, 2, 8 मतलब एम. ये आपने चार लेटर्स को उठाया, अब इसमें बताना है कौन सा वो एक मीनिंगफुल वर्ड या कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं. तो इसमें कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, आंसर तो इसका वन आपने देख लिया ना, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, तो वो बन रहा है फेम. फेम इसका एक वर्ड बन रहा है, एफ ए एम ई इसका मीनिंगफुल वर्ड बनेगा. अगला ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे सभी लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहिए, ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए. सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताना, मैं इसका आंसर आपको सही आंसर रात के 8 बजे कमेंट सेक्शन में बताऊंगा. क्लियर है बात, रात के 8 बजे बताऊंगा, तब तक सब लोग इसका कमेंट में आंसर बताने की कोशिश करना. अब ये आपके सामने क्या लिखा भैया, ये लिखा है नेक्स्ट टॉपिक फॉर मिसलेनियस सीरीज. हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के 80 क्वेश्चंस किए हैं, इन 80 क्वेश्चंस में बहुत कुछ आपने सीखा होगा. हम फर्स्ट डे मतलब मंडे से जो हमने शुरुआत करी थी लास्ट मंडे से और आज ये मंडे तक, आप में काफी कुछ इंप्रूवमेंट आया होगा ये मैं उम्मीद करता हूं. अब आपको नेक्स्ट टॉपिक बताना है, क्योंकि दोस्त देखो हम आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, आप जैसा कहोगे वैसा. आपने कहा भैया देखो मॉक टेस्ट ले, हम मॉक टेस्ट ले, आप कहते रिविजन तो हम रिविजन करा देते हैं, जैसा आप बोलोगे वैसा हम करेंगे. तो आप ही मुझे बताओगे कि भाई अगला टॉपिक मिसलेनियस के लिए कौन सा आएगा. ये आपके लिए मैंने दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक
सेलेक्ट किए हैं, आप इसमें से चॉइस बताओ, ठीक है ना, इसमें से चॉइस बताओ आपको कौन सा चाहिए। इसका मैं पोल टेलीग्राम पे अभी बना दे रहा हूं, टेलीग्राम पे भी अपने वोटिंग कर देना, ठीक है ना। सब लोग टेलीग्राम पे वोटिंग जरूर करना, वोटिंग बहुत कम आती है, 80-90% की वोटिंग आती है, मुझे चाहिए कम से कम 150-200 बच्चे वोट करें, तो सब लोग वोट करो, बात क्लियर है, ठीक है। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में भी और प्लस वोटिंग में भी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे